Assalamualaikum viewers, more welcome to the show program Knowledge Time. और आज का टॉपिक है What is IELTS? IELTS basically stands for International Language Testing System. यानी कि ये एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम है जिसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल कौन सा है और ये टेस्टिंग सिस्टम आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसके बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कि आप किस लेवल तक की इंग्लिश बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं. तो ये तो थी IELTS में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं कि कौन से इदारे पाकिस्तान में IELTS को कंडक्ट करते हैं. सबसे पहले नुमाया नाम है ब्रिटिश काउंसिल के इदारे का जो IDP है जिसमें IELTS को कंडक्ट किया जाता है. दूसरा अदारा ऑस्ट्रेलियन अदारा है जिसका नाम है AEO, यानी कि ये एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन कंपनी की तरफ से IELTS को कंडक्ट करता है. उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ IELTS जो बेसिकली यूजफुल टाइप्स हैं. उनमें सबसे पहला नाम है एकेडमिक, उन बच्चों के लिए होती है जिन्होंने आके फर्दर अपनी स्टडीज को पूरा करना हो, जिन्होंने बड़ी क्लासेस यानी के अगर बैचलर करना है या फिर मास्टर्स डिग्री लेनी है फ्रॉम अदर कंट्रीज कर सके. उसके बाद आपको मिलता है जनरल, जिसके बाद आप बाहर जाके जॉब कर सकते हैं, बाहर जाके पैसे को अर्न कर सकते हैं और बाहर जाके अपने इंग्लिश स्किल्स को शो करवा सकते हैं. यानी कि उन बच्चों के लिए है जो इमिग्रेशन चाहते हैं या फिर बाहर अब्रॉड में जाकर जॉब करना चाहते हैं. उसके बाद आपके पास UKVI आता है जो स्पेशली फॉर ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के लिए होता है और ये इंग्लैंड में ही जाके अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो दिस स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट इज अलाउड इन इंग्लैंड. तमाम तफसीलात जो मैंने IELTS के बारे में आपको दी. अब अगली बात करते हैं कि IELTS के बेसिकली मॉड्यूल्स कितने होते हैं. जनाबे अली, IELTS के बेसिकली मॉड्यूल्स 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं. सबसे पहला पार्ट है आपका लिसनिंग का. लिसनिंग में बेसिकली आपको एक क्लिप सुनाया जाता है जिसके मुताबिक आपके सामने एक पेपर पड़ा होता है और उसको आपने हल करना होता है. वो इंफॉर्मेशन जो आपको क्लिप में सुनाई जा रही होती है उसके मुताबिक आपने तमाम तर MCQs, तमाम तर फिल इन द ब्लैंक्स और तमाम तर ट्रू फॉल्स को उसी के मुताबिक सॉल्व करना होता है. उसके बाद आपके पास रीडिंग टेस्ट आता है. रीडिंग टेस्ट में आपके पास वही कंप्रीहेंशन होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन जनाब अभी ठहरिए, अभी आपको रिलैक्स नहीं होना क्योंकि ये कंप्रीहेंशन उस तरह की कंप्रीहेंशन नहीं होती जो आप बच्चों की तरह वाली कंप्रीहेंशन करते हैं. ये हाई लेवल और हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश होती है जिसकी कंप्रीहेंशन आपको करनी होती है. इसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें MCQs आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं. उसके बाद आपको एक अदर टेस्ट देना पड़ेगा जो होगा राइटिंग का. राइटिंग बेसिकली 2 टास्क पर मुश्तमिल होगा. फर्स्ट टास्क रिलेटेड टू योर ग्राफ एंड द सेकेंड टास्क इज रिलेटेड टू योर ऐसे. आपको ये दोनों टास्क क्लियर करने होंगे, देन आप इसमें अच्छे बैंड हासिल कर सकते हैं. अब ये भी थोड़ा सा सुनने में इजी है लेकिन इसमें भी वो इंग्लिश वही रिक्वायर करते हैं जो हाई स्टैंडर्ड की हो, यानी कि वो इंग्लिश नहीं जो आप FA, FSC या मैट्रिक में यूज करते हैं फॉर द ऐसे. तो जनाब लास्ट जो पार्ट है, लास्ट मॉड्यूल है जो IELTS का, वो है स्पीकिंग. यानी कि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको इंटरव्यू किया जाएगा, आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, एक टीचर आपके सामने बैठ जाएगा और वो आपसे बातचीत करेगा ताकि आपको जान सके कि आप किस हद तक इंग्लिश बोल सकते हैं, कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप वहां पर मौजूद हों यूरोप में या किसी भी ऐसी कंट्री में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वहां पर आप अपने टीचर की बात सुन सकते हैं या उससे अपनी बात कर सकते हैं. तो ये तो तमाम तफसीलात थी IELTS के बारे में. अब आपको बताते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए. जनाब आलम न्यूज आपके लिए एक बड़ा अच्छा मौका लाया है कि आप IELTS की तैयारी हमारी तरफ से कर सकते हैं. हम आपको ट्यूटर्स भी प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे और इसमें मजे की बात यह है कि बहुत अच्छे पैकेज भी देंगे. हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है. अगर आप IELTS करना चाहते हैं इस नंबर पर राबता करें और हमसे जुड़ जाएं IELTS की प्रिपरेशन के लिए. इंशाल्लाह आपको कंफर्मेशन देते हैं कि मोर देन 5.5 बैंड की आपको गारंटी दी जाएगी IELTS में. तो जनाब आज की वीडियो से इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.